नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना। और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा के जगदीशपुरा पुलिस पर देखिए किस प्रकार एक पीड़ित व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह सेक्टर 4 का रहने वाला है और घर के बाहर घूम रहा था। इसी बीच परिवार के लोगों ने उस पर जबरदस्त हमला बोल दिया। लगभग 10 से 12 लोगों ने जब हमला बोला तो वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे वहीं छोड़कर चले गए। पुलिस से मदद की गुहार लगाई तो पुलिस ने एक आरोपित को जेल भेजकर अपनी खानापूर्ति पूरी कर दी है, जबकि शेष आरोपी अभी खुले बाहर घूम रहे हैं। पीड़ित द्वारा कार्रवाई की मांग को लेकर आज एक प्रेस वार्ता की गई, जिसके माध्यम से देखिए किस प्रकार उन्होंने आप बीती बताई है। जानिए पीड़ित व्यक्तियों से क्या कुछ है पूरा मामला। सर, मैं शेखर कुशवाहा, निवासी सेक्टर 1 आवास विकास कॉलोनी, थाना जगदीशपुरा। क्या परिचय सर? ये सर मेरे पिताजी हैं, मैं इनका बड़ा बेटा हूँ, ये छोटा बेटा है। सर मेरी बोधा चौरा पे दुकान है सर। एक्चुअली क्या जो वारदात हुई है इसके पीछे एक पुराना विवाद चला रहा सर। विवाद सर ये है कि जो अभी इनके साथ जो हादसा किया ना, वो परिवार के लोगों ने किया है। वो इनके चाचा के बेटे हैं, 5 बेटे थे सर। वो उनमें से एक बेटा उनका एक बीमारी के अभाव में भी 2-3 महीने पहले एक्सपायर हो गए। तो एक्चुअली क्या सर, ये मेरे पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के जगह जगह भंडारे वगैरह कराते रहते हैं सर। तो इन्होंने अभी 25वां प्रोग्राम किया था केला देवी के अंदर, तो वहाँ ये उससे 1 महीने पहले वहाँ बुक वगैरह करने गए थे। वो जो धर्मशाला वगैरह वो बुक होती है ना, वहाँ गए थे। तो वो ऑलरेडी बीमार चल रहे थे उनके भाई। तो उनकी वाइफ ने इनसे बोला कि भाई साहब आप वहाँ जा रहे हैं तो आप ये पैसे इन पर ले जाए, अगर दवा काम नहीं करे दुआ काम कर जाए। तो मेरे पिताजी का इतना कसूर था कि ये वो 100 का नोट उसको उसार कर ले गए थे, उसका वहाँ केला देखिए प्रसाद बंटवा दिया। अब उस चीज़ को वो नेगेटिव ले रहे हैं। उसके बाद में आज वहां से केला देवी से लौटने के बाद में 20-25 दिन बाद वो एक्सपायर हो हॉस्पिटल में। उनका सारा चीज मेडिकल वगैरह सब चीज उनके रिकॉर्ड, डॉक्टर ने भी उनकी लंग्स इन्फेक्शन, डायबिटीज काफी सारी परेशानी थी, वो बीमारी के अभाव में उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद में अंतिम संस्कार वगैरह सब होने के बाद में उनके घर वाले उस वीडियो को दिखाते हैं कि जो पैसे उसारे थे, और बोलते हैं कि ये तंत्र विद्या करके तुमने मेरे भाई को मरवाया है, ये कारण। तो हमला कब हुआ, किस तरीके से हुआ? हमला मांगे आपकी 14 दिसंबर 9 बजे रात को, लगभग 9 बजे रात्रि को पिताजी मेरे घर से खाना खाने के बाद, मैं डेली टहलते हैं, उसी दिन भी यही हुआ था। मेरे पिताजी खाना खाने के बाद बाहर रोड पर टहल रहे थे, वो पीछे से तीनों चारों भाई घाट ला के बैठे थे। ये चीज वो 2-3 महीने पहले ही बोल चुके थे कि हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जो जिस पर मौका लगे हम उसे मार देंगे। ये इस चीज की हमने सूचना दी थी, कई बार सूचना दे चुके हैं हम इस चीज की, थाने में भी दी है, पुलिस कमिश्नर में दे चुके हैं, सीएम पोर्टल भी दे चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हम उसी डर में आज भी जी रहे हैं और वो हादसा हमारे संग हो गया, जिसका हमें डर था, जो हमने बताया था वो हादसा हमारे संग हो गया। 9 बजे सर धारदार बोता हथियार सर, इतना बड़ा पांक टाइप का जो बहुत पहना, जिससे गन्ने कटते हैं वो, और इतना बड़ा चाकू था उसका पीछे, पीठ के पीछे निशान है, चाकू का निशान है पीछे, ये पूरा ये फटा हुआ सर। मैं आपको फोटो दिखवाता हूँ, आप देखेंगे स्थिति, ये इतनी गंभीर स्थिति थी कि इनके जगह कोई हो रहा था ऑन स्पॉट वहां खत्म हो जाता। ये पता नहीं किस तरह से बच गए हैं, मैया की कृपा रही है इन पर, ये इस तरह से बच गए हैं। मैं अब परिवार के भाई लगते मेरे टेंट मुकेश टेंट हाउस, उनको तबीयत खराब थी उनकी, उनको ब्लड डोनेट करके आया था सफर पर ब्लड बैंक में 14 तारीख की रात को शाम को। तो मैं दूध पीने निकला, मैं दूध पी आऊंगा, अचानक पीछे से इन लोगों ने हमला कर दिया मेरे को और मुझे वहीं पटक दिया और ताबड़तोड़ वारदात करते रहे। किन लोगों ने और मोनू और जिस सभी लोग थे मुट्टन और जीतू वगैरह, ये सभी लोग थे, मुझे वही पकड़ लिया और वारदात करके मुझे बाहर से चले गए। मेरा आज से करीब 5-6 महीने पहले मैं दरअसल करनपुर से आगे केला देवी मंदिर है, करनपुर केला देवी से आगे करनपुर मंदिर है। मैं 8 साल वहां सबके सहयोग से मैं भंडारा करता रहता हूँ,
अब इस साल भी 25वां प्रोग्राम सब लोगों के सहयोग से करके आया हूँ। वहाँ बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम होता है वृद्धाश्रम में, कीटम झील पे वृद्धाश्रम में हर महीने वहाँ प्रोग्राम होता है। आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। और आप करणपुर का नंबर देता हूँ, दिखाओ मेरे को। धार्मिक प्रवृत्ति रहा हूँ, मुझसे किसी का दुख दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ इसमें। तो मेरे चाचा का लड़का काफी दिन दो साल से बीमार था। तो मैं केरला के भी दर्शन करने जा रहा था, वहीं पे मंदिर के बराबर में घर है। गिरफ्तारी साहब मुझे जानकारी नहीं है किसकी गिरफ्तारी हुई। बताते मेरे सुनाई पड़ा था कि 3 लोग बंद हुए थे उसमें, तो उसमें कुछ लोग छूट गए हैं, पता नहीं क्यों। अब कैसे छोड़ा है उनको मुझे जानकारी नहीं है। मैं इससे पहले जो लड़का मोनू है, खासतौर जी मोनू है, घर से आप भाई बड़े भाई की राइफल निकाल रहा है कभी कभी अकेले घर पर जी धारदार हथियार चक्कू टाइप का होता है, थोड़ा टाइप का जिससे गन्ने काटते हैं, उससे मेरे को मारा। और उससे पहले भी मेरे परिवार के लोग बच्चे पे भतीजा लगता है मेरा, उस पर भी ये लोग हमला कर चुके हैं। वो नई जिंदगी में पड़ा है, जानते नई जिंदगी मिली है उसे। और घर से ठीक बच्ची आप है। और इसी के साथ जुड़े रहे आप हमारे साथ और देखते रहे हिंदुस्तान सीबीएन।